जोशीमठ में दरार और धसाव का शिकार जो होटल्स हुए हैं, जो इमारतें हुई हैं, उनका डिमोलिशन होगा या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। होटल मलारी इनको गिराने का काम कल शुरू होना था, लेकिन मुआवजे पर लोगों के विरोध की वजह से ये काम शुरू हो नहीं पाया। लोगों के गुस्से के बीच कल रात सीएम पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ के उस रिलीफ कैंप में पहुंचे जहां प्रभावित परिवार के लोग हैं। रिलीफ कैंप में धामी ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और पीड़ितों की हर हाल में मदद का भरोसा दिया। धामी का रिलीफ कैंप दौरा ऐसे वक्त में हुआ जब विस्थापितों में सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा है। गुस्से में कल दिन भर लोगों का प्रदर्शन चलता रहा, लोग मुआवजे की राशि को लेकर नाराज हैं। इस मौके पर धामी ने कहा कि प्रभावित परिवारों को राहत दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। दर्द की कोई हद नहीं है। आंसुओं का कोई हिसाब नहीं है। जोशीमठ के राहत शिविरों में प्रभावित परिवारों का दर्द छलक रहा है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने। इनके मकानों में दरार है, घर जमीन में धस रहे हैं, लिहाजा ये लोग अपना आशियाना छोड़ कड़ाके की ठंड में राहत शिविरों में हैं। मुआवजे पर ठनी है, कल दिन भर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए। तो सरकार खुद इनके दरवाजे पर पहुंच गए। जोशीमठ में इस वक्त टेम्परेचर लगातार ढुलकता जा रहा है, बर्फीली हवाएं चल रही हैं, और इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो पर एक एक करके रिलीफ कैंप में जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं जो रिलीफ कैंप में हैं, उन लोगों से मिल रहे हैं कि आखिरकार तैयारी कैसी है, क्या तैयारियों में कोई कोताही तो नहीं बरती जा रही अधिकारियों द्वारा, और आपदा से जो लोग प्रभावित हैं उनसे मिल रहे हैं, परिवारों से मिल रहे हैं, और परिवारों से मिलकर एक एक करके उनकी जो ग्रीवांसेस हैं, उनकी जो वेदना है, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। राहत शिविर में धामी प्रभावित परिवारों से मिले, पूरी संवेदन और धैर्य के साथ लोगों की बातें सुनी। छोटी सी बच्ची को गोद में उठाकर ये यकीन भी दिला दिया कि आपदा की घड़ी में सरकार लोगों के साथ है। मुआवजा अभी तक नहीं मिला आपको, कह कि कुछ मिलेगा, कुछ बोली नहीं, क्या 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 हुआ, कब तक रहेंगे, परेशान कर रही हुई, बोला कि मुआवजा हो जाएगा, कब तक क्या क्या हुआ हमारा। एक चीज बताया मतलब कैसा हुआ, मतलब आप बताइए हमारा कैसा हुआ। लोग मुसीबत में हैं, इस आपदा में हर किसी के लिए अकेले लड़ना संभव नहीं, सरकार ही इनकी उम्मीद है। लेकिन आप हमारे घर देखोगे आप तो
आप अगर वहाँ पे जाके देखो हमारे घर की स्थिति टूट चुके हैं, बिल्कुल इतने टूट टके हैं जो हम 2 बजे रात 1 बजे रात वहाँ से भाग गए, हम अंदर सो रहे थे, बाहर से हमारा घर टूट गया, तो हम भाग भी नहीं सकते। सिर्फ आप ही हमारा सर, हमें आप समय रिलीफ फंड जो हमारे उस होटल में कुछ हो ना हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन होटल की वजह से हमारे घर पूरे टूट गए हैं। अब उस होटल का मामला जहाँ तक हो उसको जो करते हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा सबसे पहले हमारी व्यवस्था करो सर। धामी हर कमरे में जाकर लोगों से मिले, राहत शिविरों में लोगों को मिल रहे खाने का भी जायजा लिया। पूरी कोशिश इस बात पर की कि संकट की घड़ी में सरकार का संवेदनशील चेहरा नजर आए। मुआवजे की राशि को लेकर लोगों के गुस्से से जो खराब संदेश गया है वो ठीक हो। बात कुछ नहीं हुई, यहाँ पर आए मिलने तो यही बोला कि भाई आप लोगों की व्यवस्था हम देख रहे हैं करेंगे। ये छोटी सी बालिका जो हमारी पोती उसको भी गोद में लिया उन्होंने और बोला कि भाई घबराने की बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा भाई। यही बाकी कुछ ज्यादा कुछ नहीं बोला, हो जाएगा, आप धैर्य रखो और आप लोगों का हम सोचते हैं कि वो समाधान कर देंगे, समाधान करेंगे। एक तरफ जोशीमठ के तमाम मकानों में दरार है, उनके गिरने का खतरा है, उस पर मौसम खराब, खतरा और बढ़ गया। कल से असुरक्षित बिल्डिंग को गिराने का काम शुरू होना था लेकिन लोगों के विरोध के बीच ये नहीं हो पाया। इस बीच जोशीमठ में NDRF की टीम मुस्तैद है, राहत सामग्रियों की खेप भी पहुँच चुकी है, लेकिन सस्पेंस बरकरार कि आगे क्या होगा। आशुतोष मिश्रा के साथ अभिषेक भारद्वाज, जोशीमठ आज तक। तो जोशीमठ के प्रभावित परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है आशुतोष, और ऊपर से मौसम की मार, क्या जानकारी, क्या अपडेट, आगे की तैयारी कैसी? अब ये समझिए कि हाथ पर जिस तरह से कांप रहे हैं तो यहाँ रहने वाले लोगों का क्या हाल हुआ होगा। अब ये पूरी सड़कें जो आप नमी देख रहे हो इसीलिए क्योंकि बीती रात यहाँ पर बर्फबारी हुई है, और ठीक जोशीमठ के जो ऊपरी इलाके हैं उन सब पर, सिर्फ ऊपर के पहाड़ी चोटियां ही नहीं बल्कि सब कुछ पूरी तरह से हिमाच्छादित हो चुकी है। रात भर करीबन सुबह 4 बजे तक बर्फबारी हुई है, और जिस तरह का मौसम अभी खराब है ये तस्वीर लगभग ऐसी ही रहने वाली है और अगले 2-3 दिनों तक ये रहने वाली है। अब यहां तक ज्यादातर लोग जो अपने कैंपों में है, बीती रात मुख्यमंत्री वहां से मिले हैं, लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर और सबसे बड़ा सवाल ये कि मेरे पीछे इन 2 होटलों को जिनको सबसे पहले गिराया जाना था, क्योंकि ये फिलहाल सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं, यहाँ के मालिक और उनके लोग, परिवार के लोग, वो अभी भी यहाँ से नहीं गए। रात भर वो यहाँ पर बारिश हुई है, तिरपाल लगाया हुआ है, जनरेटर से जुगाड़ करके देखिए अलाव जला रखा सब कुछ, ये लोग जाने को यहाँ से तैयार नहीं है। अब ठंड बढ़ रही है, मौसम खराब हो रहा है, आपको ये बताया मुख्यमंत्री इस समय जोशीमठ में ही मौजूद है धामी, वो आज फिर एक बैठकों का दौर करेंगे, और कुल कोशिश ये हो रही है कि प्रभावित लोगों को समझा बुझा लिया जाए ताकि वो कम से कम डिमोलिशन की प्रोसेस है वो सुरक्षित इलाके बनाना शुरू करें ताकि कम से कम नुकसान या कोई बड़ी त्रासदी ना होने पाए। मलिका, शुक्रिया आशुतोष जानकारी पहुंचाने के लिए।